मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, चंद्रशेखर जी, आईटीयू की सेक्रेटरी जनरल, विभिन्न देशों के मंत्रीगण, भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए सब मंत्रीगण, इंडस्ट्री लीडर्स, टेलीकॉम एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप्स की दुनिया के मेरे प्रिय नौजवान, देश दुनिया से आए अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश और दुनिया के आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन आईटीयू के साथियों का भी विशेष स्वागत करता हूं। आपने WTSA के लिए पहली बार भारत चुना है, मैं आपका आभारी भी हूं और आपकी सराहना भी करता हूं। साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, भारत जहां 95 करोड़ यानी 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, भारत जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है, वहां ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गुण का भी माध्यम बनेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करना है, वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही मंच पर ले आया है। आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। हम अपने स्टैंडर्ड्स पर भी विशेष बल दे रहे हैं। ऐसे में WTSA का अनुभव भारत को एक नई ऊर्जा देने वाला होगा। साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है। यानी इस इवेंट में कंसेंसस और कनेक्टिविटी भी एक साथ जुड़ी है। आप जानते हैं कि आज की कॉन्फ्लिक्ट से भरी दुनिया के लिए इन दोनों का होना कितना जरूरी है। भारत हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के अमर संदेश को जीता रहा है। हमें
G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला तब भी हमने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का ही संदेश दिया। भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। ऐसे में WTSA और IMC की ये साझेदारी भी एक प्रेरक और शानदार मैसेज है। जब लोकल और ग्लोबल का मेल होता है तब न केवल एक देश बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलता है और यही हमारा लक्ष्य है। फ्रेंड, 21वीं सदी में भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया, लेकिन भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच ही दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है। मुझे याद है जब मैं 10 साल पहले डिजिटल इंडिया का विजन देश के सामने रख रहा था तो मैंने कहा था कि हम टुकड़ों में नहीं बल्कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना होगा। तब हमने डिजिटल इंडिया के 4 पिलर्स की पहचान की थी। पहला, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने इन 4 पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। फ्रेंड्स, हमारे यहां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैन्युफैक्चरर न करते। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को एक कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। हम भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी के पिलर पर काम करते हुए भारत में हमने ये सुनिश्चित किया कि हर घर कनेक्ट हो। हमने देश के कोने कोने में मोबाइल टावर्स का एक सशक्त नेटवर्क बनाया जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं,
बॉर्डर एरियाज हैं वहां बहुत कम समय में ही हजारों मोबाइल टावर लगाए गए। हमने रेलवे स्टेशन्स और दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई की सुविधा दी। हमने अपने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को अंडरसी केबल्स के माध्यम से कनेक्ट किया। भारत ने सिर्फ 10 साल में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी 8 गुना है। मैं भारत की स्पीड का आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 साल पहले मोबाइल कांग्रेस में ही हमने 5G लॉन्च किया था। आज भारत का करीब करीब हर जिला 5G सर्विस से जुड़ चुका है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है और अब हम 6G टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, जो इनोवेशन किए, वो अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। इससे डेटा की कीमत बहुत कम हुई। आज भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत लगभग 12 सेंट प्रति GB है, जबकि दुनिया के कितने ही देशों में 1 GB डेटा इससे 10 गुना से 20 गुना ज्यादा महंगा है। हम भारतीय आज हर महीने औसतन करीब 30 GB डेटा कंज्यूम करते हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों को हमारे चौथे पिलर यानी डिजिटल फर्स्ट की भावना से नई स्केल पर पहुंचाया है। भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए और इस प्लेटफॉर्म पर हुए इनोवेशन ने लाखों नए अवसर पैदा किए। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ONDC की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ONDC से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम आसान किया है। जरूरतमंदों तक पैसा भेजना हो, कोरोना से निपटने में जुटे कर्मचारियों तक रियल टाइम गाइडलाइंस भेजनी हो, वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना हो, वैक्सीन का डिजिटल सर्टिफिकेट देना हो, भारत में सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। आज भारत के पास एक ऐसा डिजिटल बुके है जो दुनिया में वेलफेयर स्कीम्स को एक नई ऊंचाई दे सकता है। इसलिए G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया। और आज मैं फिर दोहराऊंगा, भारत को
डीपीआई से संबंधित अपना अनुभव और जानकारी सभी देशों के साथ शेयर करने में खुशी होगी। साथियों, यहां डब्ल्यूटीएसए में नेटवर्क ऑफ वीमेन इनिशिएटिव पर भी चर्चा होनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। भारत वीमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर बहुत ही गंभीरता से काम कर रहा है। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी हमने अपने इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाया। टेक्नोलॉजी सेक्टर को इंक्लूसिव बनाना, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से महिलाओं को एम्पावर करना, भारत इस लक्ष्य को लेकर चल रहा है। आपने देखा है कि हमारे स्पेस मिशन्स में हमारी वीमेन साइंटिस्ट का कितना बड़ा रोल है। हमारे स्टार्टअप में वीमेन को फाउंडर की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भारत की स्टेम एजुकेशन में 40% से अधिक हिस्सेदारी हमारी बेटियों की है। भारत आज टेक्नोलॉजी लीडरशिप में महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर बना रही है। आपने सरकार के नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के बारे में जरूर सुना होगा। ये खेती में ड्रोन क्रांति को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है। इस अभियान को भारत के गांवों की महिलाएं लीड कर रही है। डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स को घर घर पहुंचाने के लिए भी हमने बैंक सखी प्रोग्राम चलाया, यानी महिलाओं ने डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम को भी लीड किया। हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर, मैटरनिटी और चाइल्ड केयर में भी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है। आज ये वर्कर्स टैब्स और एप्स के माध्यम से इस पूरे काम को ट्रैक करती है। महिलाओं के लिए हम महिला ई हार्ट कार्यक्रम भी चला रहे हैं। ये वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यानी आज गांव गांव में भारत की महिलाएं ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं जो अकल्पनीय है। आने वाले समय में हम इसका दायरा और बढ़ाने वाले हैं। मैं उस भारत की कल्पना कर रहा हूं जहां हर बेटी एक टेक लीडर हो। फ्रेंड्स, भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एक गंभीर विषय दुनिया के सामने रखा था। इस विषय को मैं डब्ल्यूटीएसए जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के सामने भी रखना चाहता हूं। ये विषय है डिजिटल टेक्नोलॉजी के ग्लोबल फ्रेमवर्क का, ग्लोबल गाइडलाइंस का। अब समय आ गया है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल गवर्नेंस के लिए इसके महत्व को स्वीकारना होगा। टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक स्तर पर डूज एंड डोंट्स बनाने होंगे। आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस हैं वो बंधनों से परे हैं, किसी भी देश की बाउंड्री से परे हैं। इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल संस्थाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। हम जानते हैं हमारा अनुभव, जैसे हमने एविएशन सेक्टर के लिए एक ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क बनाया है,
वैसे ही फ्रेमवर्क की जरूरत डिजिटल वर्ल्ड को भी है और इसके लिए WTSA को और अधिक सक्रियता से काम करना होगा। मैं WTSA से जुड़े हर सदस्य को से कहूंगा कि वो इस दिशा में सोचे कि कैसे टेली कम्युनिकेशन को सभी के लिए सेफ बनाया जाए। इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में सिक्योरिटी किसी भी तरह से आफ्टर थॉट नहीं हो सकती। भारत के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एक सेफ डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं। मैं इस असेंबली के सदस्यों से कहूंगा, आप ऐसे स्टैंडर्ड बनाएं जो इंक्लूसिव हो, सिक्योर हो और भविष्य के हर चैलेंज के लिए एडेप्टेबल हो। आप एथिकल AI और डेटा प्राइवेसी के ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाएं जो अलग अलग देशों की डायवर्सिटी का भी सम्मान करें। साथियों, ये बहुत जरूरी है कि आज के इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमन सेंट्रिक डायमेंशन देने का निरंतर प्रयास करें। हम पर ये जिम्मेदारी है कि रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल हो। आज हम जो भी स्टैंडर्ड सेट करेंगे उससे हमारे भविष्य की दिशा तय होगी। इसलिए सिक्योरिटी, डिग्निटी और इक्विटी के प्रिंसिपल्स हमारी चर्चा के केंद्र में होने चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि कोई देश, कोई रीजन और कोई कम्युनिटी इस डिजिटल युग में पीछे न रह जाए। हमें सुनिश्चित करना होगा हमारा भविष्य टेक्निकली स्ट्रांग भी हो और एथिकली साउंड भी हो। हमारे भविष्य में इनोवेशन भी हो, इंक्लूजन भी हो। साथियों, WTSA की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरा सपोर्ट आपके साथ है। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।